लेंगे भैया दे रहे राइटर राइटर क्या बात है, बड़े सज धज के घूम रहे हो, कोई आइटम आइटम के जुगाड़ में हो क्या? तुम्हारे पास है क्या कोई आइटम? आइटम कोई आइटम है तो बताना भाई, आइटम चाहिए क्या? बता दो। आइटम तो है लेकिन अपन के साथ चलना पड़ेगा। चलो कहाँ चलना पड़ेगा? पहले चलो तो अभी तो बताऊँगा। चलो आइटम तो ऊपर चलोगे तभी मिलेगी। हाँ, चाइनीज भी है। चाइनीज क्या, नेपाली क्या, अब उनके पास सब कुछ है। आओ चलो, वैरायटी की लड़की मिलेगी। हाँ, चाय फिर वो नेपाली हो या फिर वो चाइनीज, खास करके चाइनीज हमारे पास सबसे ज्यादा होती है और नई नई वैरायटी की लड़कियां हैं। आओ शकीला बेगम तो पूरी इंडिया की ही फेमस हो रहा था, पर क्यों ना होगी, काम भी इतने किए हैं। शकीला बेगम देखो आज अपन किसको लेके आए, जानती हो? शकीला बेगम आज अपन एक ऐसा कस्टमर लाया ना जिससे हम मारा माल हो जाएंगे। वो तो है। और वैसे भी इन्हें जो है थोड़ा सा कच्चे माल की जरूरत है। सुन भाई, अगर होगी ना तो जितना पेमेंट बोलेगा उतना दे जाएगा। अरे कच्चे की क्या बात है, हमारे पास है ना एक नया माल, कल ही आया है। कल आया? हाँ, और इन्हें वैसे भी कच्चा माल चाहिए ना। हाँ शकीला बेगम, एकदम फ्रेश माल। अरे ये लो। अरे ये क्या, ये 500 की गड्डी क्या निकाल रहे हो तुम? क्या रोड और झाड़ियों वाली लड़कियां समझ रहे हो क्या? अरे भाई अपन आइटम एकदम फ्रेश देगा तो रोकड़ा भी थोड़ा कड़क चाहिए ना, इससे कुछ नहीं होगा। आइटम मुझे फ्रेश मांगता है, ठीक है ना? रोकड़ा तो जितना बोलेगा उतना अपन देगा, लेकिन एकदम बिल्कुल फ्रेश होने का बिल्कुल। अरे उसकी टेंशन मत लो साहब, अपन की जो शकीला भाई है ना एक से एक माल फ्रेश रखती है। पापा ना शकीला बेगम का नाम ही सुन के इधर आए लेचा, ठीक ना? अरे अपन की शकीला बेगम का नाम ही इतना है। ये ले। हाँ, ये हुई ना बात। दला शकीला बेगम तो ये चल वो तो रख ले, वैसे हम तो इंसान के ना पैसे देख के ही बता देते हैं कितना रईस है। और ये तो बात है, शकीला बेगम एक इंसान को परखने में किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं करती। अब क्या चाहता है कि घर आती हुई लक्ष्मी ये भी बाहर निकल जाए? नहीं नहीं, आप जैसा कहें वैसा। चल खड़ा लेकर आओ उसको। हाँ हाँ लाता हूँ मैं, लाता हूँ। अरे लेकिन ये क्या, किसी को और को लाओगे? नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हें चाहिए वही माल मिलेगा,
यहाँ पे बेफिक्र रहो, और तुझे पता है कौन सा रूम में है वो? मुझे तो पता नहीं, अब आप ही बता दीजिए। वो कमरा नंबर 407 में है। 407? ठीक है, अभी अपन उसको लेके आता 407 से। सुन, वो ऐसे तो आएगी नहीं, एक काम कर, ये रख ले तू। अरे ये गन किस लिए? अरे भाई आप टेंशन मत लो, अपन के धंधे में ये सब चलता है। वो क्या है ना कि कई बार जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ती है। चलो उसे मुझे क्या, मुझे तो अपने काम से मतलब है। हाँ हाँ ले के आता हूँ मैं। चल जा। वैसे एक बात कहूँ, वो तो तुम काफी स्मार्ट हाँ। अगर उससे मन भर जाए ना तो हमें भी याद कर लेना। अगर मेरा काम बढ़िया से हो जाता है ना तो मैं आपको ही याद करूँगा, कभी भी आना होगा आपके पास आएंगे। जी बिल्कुल। छोड़ देता, लेकिन तुझे मालूम तेरी वजह से आज अपन जिम में इतना रोकड़ा है ना कि अपन एक्स भी कर सकता है और अयाशी भी। नहीं तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी। खबरदार अगर मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो, नहीं तो अपन यहीं ठोक देगा तेरे को, समझी ना? छोड़ दो मुझे। चल अपन के साथ। एकदम चुप। तुझे मालूम है आज तेरी नत उतरेगी, उसके बाद ये तेरा चीख ना चिल्लाना कम हो जाएगा। ये थोबड़ा ऐसे लटकाने की जरूरत नहीं है, वो आता ही होगा। ठीक है इंतजार कर लेता हूँ। चल चल साहब, आपके आइटम इतनी नाजुक कली को बंदूक के नोक पे लाए हो तुम? क्या करूं साहब, करना पड़ता है, धंधे का यही रूल है। ये लो साहब, संभालो अपनी अमानत को। ये मेरी अमानत हो या किसी और की, लेकिन घर पे तो पहुंच ही जाएगी। घर पे? घर पे? हाँ हाँ घर पे। आई एम विजय चौहान, सीआईडी इंस्पेक्टर। सीआईडी? तुम तो नहीं लगते। हाँ तुम देखने से तो नहीं लगते, जब गेटअप चेंज होता है ना तभी तो तुम जैसे मुजरिमों को पकड़ा जाता है। सकीला बेगम आपने तो अपन को फंसा ही डाला। अच्छा मैंने फंसा क्या? तू ही लेके आया इसको, तेरे चक्कर में मैं ही फंस गई। अरे वो कान खजूर है, क्या कान में घुसर फुसर कर रहा है तू? साहब जब अंदर जाएगा ना तो वहां दिन रात बात करते रहना। साहब लेडी के रफा दफा करो ना। ये भी रख लो तुम, और केस यही रफा दफा करो। अबे अकल के अंधे, नोट तो देख लिया करो। नोट? असली है डुप्लीकेट? ये नोट मैंने ही दिए थे ना। ये तो सारे नोट नकली है। फंस गए हम तो बहुत बुरी तरीके से। चल बेटा सकीला बेगम आप उठाओ, आपकी वजह से फंसा है। बच्चो तुम दोनों का पुलिस का वाहन नीचे इंतजार कर रही है, चलते हो कि यही एनकाउंटर कर दूं? नहीं नहीं साहब साहब हम चलते हैं। चलता है चलो। बहुत खतरा है सकीला बेगम। अरे ओ होदा जी साहब, जरा इन दोनों को नीचे ना चाहते हो ले जाओ। जी साहब जरूर साहब। चलो इधर, ये भी हवलदार है, सिविल ड्रेस में है ये। चलो नाचेंगे चलो जेल में। सकीला बेगम बहुत नचलिया नचलिया है। आप तेरे लिए भगवान का रूप बन के आए। मैं तुम्हारे लिए भगवान का रूप बन के आया ये नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों के लिए शैतान बन के आया था मैं, ताकि इन लोगों का भंडा फूट सके। मैं इनका 5 साल से पीछा कर रहा था, आज मेरा मकसद ये पूरा हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद।